अहमदाबाद की एक अदालत ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। अदालत ने आज SIT की मामले को बंद करने की रिपोर्ट को बरकरार रखा। जाकिया जाफरी की याचिका को किया खारिज। गृह मंत्रालय आम आदमी पार्टी को विदेश से धन मिलने से संबंधित खातों की जांच करेगा। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी पर विदेश से धन लेने का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात महिला जासूसी कांड की जांच के लिए आयोग बनाने को मंजूरी दी। यह फैसला आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जांच आयोग गठित करने पर कहा कि इस मामले पर IT कानून का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगा। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नागपुर में महिला जासूसी कांड पर जांच आयोग गठित करने को कांग्रेस की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा ही कांग्रेस के निशाने पर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ति आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया। इसकी सिफारिश संसद की स्थायी समिति ने की थी, जिसे कैबिनेट ने मान लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि इसमें विपक्ष के सुझावों को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट ने MTNL के 500 करोड़ रुपयों के पेंशन प्रस्ताव को स्वीकृति दी। साथ ही सरकार ने एक्सिस बैंक में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 62% किए जाने की छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि तमाम अड़चनों के बावजूद आम आदमी पार्टी जनता से किए वादों को पूरा करेगी। शपथ ग्रहण से पहले ही केजरीवाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने आम आदमी पार्टी को समर्थन के मुद्दे पर कहा कि पार्टी अपने पुराने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ही समर्थन देने का फैसला किया है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि अभी यह निश्चित नहीं है कि वो केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए यह पक्का नहीं है कि वह दिल्ली जा पाएंगे। NCP नेता और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने बिहार में गठबंधन के बदलते समीकरण को सिर्फ कयासबाजी बताया। उन्होंने कहा कि अब तक गठबंधन को लेकर कोई ठोस बैठक नहीं हुई है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की निष्क्रियता के कारण ही दंगे हुए। उन्होंने कहा कि राहत कैंपों में रह रहे लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। कश्मीर घाटी के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी को ढेर किया। क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने चादुरा क्षेत्र के हुशरू गांव की घेराबंदी की थी। शेयर बाजार में देखी गई बढ़त। सेंसेक्स आज 42 अंक मजबूत होकर 21,074.59 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 10.50 अंक की बढ़त के बाद 6,279 अंक पर पहुंचा।